गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि शुक्र राजा के निरंकुश अधिकारों के समर्थक नहीं हैं, बल्कि उन्होंने राजा पर कई तरह के नियंत्रण लगाए हैं और नियंत्रण के साथ वो जनता को ये अधिकार भी देते हैं कि यदि राजा जनता के हितों के अनुकूल कार्य नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में जनता को ये अधिकार है कि वह राजा को अपने पद से हटा सके। शुक्र के राजनीतिक विचारों में जो सबसे महत्वपूर्ण आस्पेक्ट है वो है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था। और जिस तरीके से हम वर्तमान में प्रशासनिक और कार्मिक व्यवस्था की बात करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की योग्यताएं, उनका नियुक्ति, उनका पद स्थापन, पदोन्नति, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। और शुक्र ने इतने सालों पहले मतलब एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की बात उन्होंने की है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में समझाऊंगी। शुक्र नीति में शासन के समस्त अधिकारियों को सामूहिक रूप से प्रकृति की संज्ञा दी गई है और शुक्र नीति में समस्त पदाधिकारियों की योग्यताओं, कार्यों, दायित्वों व अधिकारों के बारे में विस्तार से विवेचन भी किया गया है। शुक्र नीति में निम्नलिखित पदाधिकारियों को शासन में महत्वपूर्ण माना गया है। ये पदाधिकारी हैं पुरोहित, प्रतिनिधि, प्रधान, सचिव, मंत्री, प्राण विभाग, पंडित और सुमंत्र, आमात्य एवं दूत। शुक्र ने शासन के संगठन में सबसे जो सर्वोच्च स्थान है वो पुरोहित को प्रदान किया है। प्रकृतियों में अन्य समस्त पदाधिकारी प्रतिनिधि, प्रधान, सचिव, मंत्री, प्राण विभाग, पंडित, सुमंत्र, अमात्य और दूत को पद सोपान में उनसे नीचे माना गया है। शुक्र इन प्रशासनिक अधिकारियों की योग्यता के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि पुरोहित के लिए मंत्रों के अनुष्ठान द्वारा कार्यों को सिद्ध करने की क्षमता, वेदों का ज्ञान, कार्य शीघ्र करने की प्रवृत्ति, जितेंद्रियता, क्रोध पर विजय, लोभ तथा मोह से रिक्तता, षडंग का ज्ञान, सांगोपांग धनुर्वेद का ज्ञान, अर्थ तथा धर्म का ज्ञान, नीति शास्त्र में निपुणता, शस्त्रास्त्र के संचालन में पारंगतता तथा व्यूह रचना में कुशलता को आवश्यक माना गया है। साथ ही ये भी अपेक्षा की जाती है कि पुरोहित में ऐसे नैतिक गुण हों कि वह शासक को उसके गुणों व अवगुणों का बोध करा सके और नीति का पालन करवाने हेतु शासक पर नैतिक प्रभाव भी स्थापित कर सके। मतलब पुरोहित जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों की श्रेणी में सर्वोच्च स्तर का अधिकारी होता है और उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह राजा को उसके कार्यों में सहायता तो देगा और अगर कभी राजा गलत है या राजा को गुण अवगुण के बारे में जानकारी देना, सही गलत की जानकारी देना, ये पुरोहित का काम होता है। मंत्री की भूमिका में मंत्री को परामर्शदात्री माना गया है और मंत्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राजा को उचित परामर्श देने में निपुण हों, निर्भीक हों, जिससे कि वे शासन को प्रिय और अप्रिय दोनों प्रकार के परामर्श दे सकें। शुक्र के अनुसार मंत्रियों के परामर्श पर ही राज्य व कोष में वृद्धि, सेना का समुचित उपयोग व प्रजा का कल्याण निर्भर करता है। शुक्र प्रतिनिधि से करने योग्य और नहीं करने योग्य कार्यों का भलीभांति ज्ञान रखने की अपेक्षा करते हैं। शुक्र प्रधान से शासकीय कार्यों का निरीक्षण करने की योग्यता की अपेक्षा रखते हैं। सचिव से सैन्य संचालन का भलीभांति ज्ञान रखने की अपेक्षा होती है और प्राण विभाग के लिए लोक व्यवहार एवं शास्त्रों व विधि के ज्ञान एवं उनमें आस्था का होना अति आवश्यक माना गया है। शुक्र नीति में देश और लेख के विषय को भलीभांति जानने हेतु आमात्य बनाया गया है। सुमंत्र से आय और व्यय के कार्यों को सुचारू रूप से जानने की योग्यता धारण करने की अपेक्षा करते हैं और दूत के लिए हृदयगत भावों तथा चेष्टा को समझना,
संधि विग्रह, आसन, द्वैधिभाव, समाश्रय आदि के विषय में उचित व्यवहार का ज्ञान व आस्था, वाक चातुर्य और निर्भीकता आदि आवश्यक गुण माने गए हैं। विभिन्न पदाधिकारियों के दायित्वों की बात करते हुए शुक्र कहते हैं कि पुरोहित को शासक के व्यवहार में धर्म को सुनिश्चित करने तथा धर्म व अधर्म के मध्य निर्णय का कोई प्रश्न अगर उपस्थित होता है तो उसका दायित्व है कि वह उचित परामर्श दे और पुरोहित राजा के आचरण के नैतिक पक्ष पर सतर्कता पूर्वक नियंत्रण रखे, और अगर राजा नैतिकता से अलग कार्य करता है तो पुरोहित उसे सही रास्ते पर लाने के लिए उचित अनुचित का भेद भी बताए। शुक्र प्रतिनिधि के दायित्वों में शासकीय कृत्यों में राज्य के हित साधन और औचित्य के मापदंडों के समुचित पालन को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण मानते हैं। वे कहते हैं कि प्रतिनिधि को हमेशा राजा को ऐसे कार्यों को करने का परामर्श देना चाहिए जो हितकारी हों तथा ऐसे कार्यों को करने से रोकना चाहिए जो राज्य के लिए अहितकर हो। प्रधान के कार्यों के संदर्भ में भी शुक्र कहते हैं कि राजकीय कार्यों में उचित और अनुचित का अन्वेषण करना प्रधान का प्रमुख दायित्व होता है। सचिव का यह दायित्व होता है कि वह सेना से संबंधित समस्त विषयों के संदर्भ में आवश्यक कार्यों को संपन्न करे। मंत्री को समस्त राजकीय कार्यों में राजा को उचित परामर्श देने के लिए उत्तरदायी माना जाता है, और शुक्र नीति में कहा गया है कि मंत्री को परिस्थिति और अवसर के अनुरूप संधि, दान, भेद आदि की उपयुक्तता तथा इनको अपनाए जाने के संभावित परिणामों का मूल्यांकन कर इन सब का राजा के सामने प्रतिवेदन करना चाहिए। प्राण विभाग के पद को शुक्र ने मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष माना है और उसके दायित्व प्रमुखतः न्यायिक प्रकृति के माने गए हैं। शुक्र के अनुसार प्राण विभाग को सभी में उपस्थित होकर अन्य न्यायाधीशों के साथ मिलकर मुकदमों का प्रमाणों, प्रत्यक्ष अनुमान, दृष्टांत और लोकशास्त्र आदि के आधार पर निर्णय करना चाहिए। पंडित को शुक्र ने प्रजा के आचरण में धर्म के पालन को सुनिश्चित करने तथा समाज के विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संबंधों को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी मानना है। सुमंत्र को शुक्र ने राज्य में हुए उत्पादन, उपभोग तथा बचे हुए उत्पादन के संबंध में जानकारी रखने तथा इस प्रकार की जानकारी को आवश्यकता के अनुसार राजा को प्रतिवेदित करने के लिए उत्तरदायी माना है। साथ ही शुक्र अमात्य को शासन के राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी मानते हैं। राज्य में नगरों, ग्रामों व वनों की संख्या की जानकारी रखने, राज्य की कुल कृषि भूमि की मात्रा तथा उत्पादन का लेखा जोखा रखने, बिना जोते हुई भूमि की मात्रा का अनुमान लगाने, प्रत्येक वर्ष शुल्क और दंड के रूप में प्राप्त की गई राशि का लेखा जोखा रखने, बिना जोती हुई भूमि में वृक्षों व अन्य वनस्पतियों की स्थिति का सर्वेक्षण करने, वनों से होने वाली आय का खनिज संपदा का विवरण एकत्रित करने, राज्य में लावारिस धन व संपत्ति का पता लगाना और उसके संबंध में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं रखना अमात्यों का कर्तव्य होता है। शासकीय अधिकारियों पर नियंत्रण के संदर्भ में शुक्र राजा को परामर्श देते हुए कहते हैं कि प्रतिवर्ष ग्राम, नगर तथा देश का निरीक्षण करके इस बात की जानकारी करें कि किन अधिकारियों ने प्रजाओं का हित साधन किया और किन अधिकारियों ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। शुक्र शासन को ऐसे अधिकारियों की जानकारी करने का परामर्श देते हैं जो प्रजा का पक्ष न लेकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का पक्ष लेते हैं। साथ ही शुक्र नीति में यह भी माना गया है कि अधिकारियों को प्रजा के हितों से संबंधित मामलों में अधीनस्थ कर्मचारियों की अपेक्षा प्रजा का पक्ष लेना चाहिए। शुक्र नीति में कहा गया है कि यदि 100 प्रजाजन किसी अधिकारी के विरुद्ध आवेदन पत्र दे दें तो उस अधिकारी को पदच्युत कर देना चाहिए। ये भी कहा गया है कि मंत्री यदि एक बार अन्यायपूर्ण कार्य करे तो उसे एकांत में दंड देना चाहिए, और अगर मंत्री यदि
एक अन्यायपूर्ण कार्य करे तो उसे एकांत में दंड देना चाहिए, किंतु अगर वो बार बार अपराध करे तो उसे सार्वजनिक रूप से दंड देकर उसे अपने पद से हटा दिया जाना चाहिए। ग्रंथ में राजा को परामर्श दिया गया है कि वह अन्याय करने वाले अधिकारियों से उनकी शक्तियाँ छीन सकता है। शुक्र राजा को परामर्श देते हुए कहते हैं कि वह राज्य के शीर्षस्थ अधिकारियों को उनकी शक्ति व कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण ना करने दें। वे राजा को यह भी परामर्श देते हैं कि वह 10 प्रकृतियों के मध्य परस्पर शक्ति का संतुलन बनाए रखें और किसी को एक दूसरे पर हावी ना होने दें। शासन के शीर्षस्थ अधिकारियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग ना होने देने के लिए शुक्र नीति में यह कहा गया है कि विशेष मामले में शासन के अधिकारों व दायित्वों को किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि 3 व्यक्तियों में सामूहिक रूप से निहित किया जाना चाहिए तथा इन 3 में से 1 को मुख्य और 2 को सहायक का स्तर दिया जाना चाहिए। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि प्रत्येक 3, 5 और 7 वर्षों तक सहायकों की निष्ठा और निपुणता का आकलन कर उनकी स्थिति में अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन करने पर विचार किया जाना चाहिए। शुक्र नीति में राजा को परामर्श देते हुए कहा गया है कि वह एक ही पद पर एक ही व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समय तक ना रहने दें। शुक्र का मत है कि लंबे समय तक एक ही अधिकार का उपयोग करने से अधिकारी को सत्ता का मद हो जाता है और वो उसमें घमंडी हो जाता है, इसीलिए उसको थोड़े थोड़े टाइम पर उनके विभागों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। शुक्र ये भी मानते हैं कि किसी व्यक्ति की शासन के किसी पद पर नियुक्ति अन्य किसी बात से प्रभावित होकर नहीं, केवल योग्यता के आधार पर ही की जानी चाहिए। तो इस प्रकार शुक्र शासकीय अधिकारियों की योग्यता और शासकीय अधिकारियों के दायित्व और नियंत्रण की बात करते हुए कहते हैं कि एक निश्चित कानून होता है और उस निश्चित कानून का पालन करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को आचरण करना चाहिए, राजा के आदेशों का भलीभांति पालन करना चाहिए और साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों का यह भी दायित्व होता है कि वह राजा को उसके कार्यों में उचित परामर्श दे और राजा को उसके कार्यों में उचित परामर्श देकर राजा को मतलब राज्य की खुशहाली के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य के विकास के लिए अच्छी नीतियां बनाने की सलाह भी दे। प्रशासनिक संगठन की बात करते हुए शुक्र नीति में विस्तार से विवेचन किया गया है। उन्होंने शासन के शीर्षस्थ पदाधिकारी जो शीर्ष पर होते हैं सबसे ऊपर, उन पदाधिकारियों को प्रकृति की संज्ञा दी है तथा उन्हें नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी माना है। नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रशासन के विभिन्न स्तरों तथा उन स्तरों पर कार्य करने हेतु कर्मचारियों व अधिकारियों की आवश्यकताओं को प्रतिपादित किया गया है। शुक्र नीति में कहा गया है कि प्रशासनिक संगठन जो होता है वह बहुस्तरीय होता है। कार्यों की विषय वस्तु के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था को विभिन्न विभागों के रूप में संगठित किया जाता है। केंद्रीय स्तर पर प्रत्येक विभाग के प्रधान को अध्यक्ष कहा जाता है तथा किसी विशिष्ट विभाग में उसकी नियुक्ति के लिए उसकी तकनीकी योग्यता को आधार माना जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वो बहुत जटिल प्रकृति के कार्य होते हैं और एक ही व्यक्ति से समस्त प्रशासनिक संगठनों का, समस्त प्रशासनिक कार्यों का संचालन नहीं हो सकता, इसीलिए कार्यों की विषय वस्तु के आधार पर विभिन्न विभागों के गठन की बात की जाती है। और ये जो विभिन्न विभाग होते हैं उन विभागों के अध्यक्षों को प्रधान कहा गया है, अध्यक्ष कहा गया है। और अगर किसी विभाग में टेक्निकल या तकनीकी व्यक्ति की ज़रूरत होती है तो उसकी तकनीकी मतलब उसमें नियुक्ति करते समय उसकी तकनीकी योग्यता को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता है। शुक्र नीति में शासक से घोड़ा, रथ, पैदल सेना, पशु, ऊंट, मृग, पक्षी, सुवर्ण, रत्न, चांदी, वस्त्र, धन्य, पाकशास्त्र, उद्यान, भवन व आवास, देव सेवा, सेना आदि से संबंधित विभागों का संगठन करने की अपेक्षा की गई है। प्रशासन के केंद्रीय स्तर पर संगठित विभागों के अतिरिक्त शुक्र ने
स्थानीय, ग्रामीण और नगरीय प्रशासन की संगठनात्मक संरचना पर प्रकाश डाला है। वे कहते हैं कि प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक नगर में शासनाध्यक्ष, ग्राम का अध्यक्ष, भागहर, लेख, शुल्क ग्राह व द्वारपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रशासन के समस्त स्तरों पर नियुक्ति कार्मिकों की व्यावसायिक व तकनीकी योग्यताओं का के आधार पर की जानी चाहिए। विभिन्न अधिकारियों यथा गजाधिपति, अश्वाधिपति, सारथी, अश्वारोही, अश्वशिक्षक, अश्वसेवक, सेनापति, सैनिक, रत्नाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, वस्त्राधिपति, वितानाधिपति, धान्याधिपति, पाकाध्यक्ष, उद्यानाधिपति, ग्रहाधिपति, संभाराधिपति, देवाध्यक्ष, दानाध्यक्ष, सभासद, सत्राधिप, परीक्षक, सासाधिपति, ग्रामाधिपति, लेखक, द्वारपाल, शौल्किक आदि पदों पर नियुक्त करने के लिए संबंधित व्यक्तियों में आवश्यक तकनीकी व व्यावसायिक व सामान्य योग्यताओं का होना अति आवश्यक है। इस प्रकार शुक्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की बात करते हैं जिसमें जो शासन से संबंधित कार्य हैं उन कार्यों का विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है, उनका विभाजन किया गया है और विभाजन करके विभिन्न विभागों के एक एक अध्यक्ष होते हैं और उन अध्यक्षों के सबॉर्डिनेशन में, उन अध्यक्षों की अधीनस्थता में विभिन्न प्रकार के अधिकारी काम करते हैं, कार्मिक काम करते हैं और वे कार्मिक उन नीतियों के सफल संचालन के लिए, नीतियों के कुशलतापूर्वक प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार शुक्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं जिसमें जो शासन करने का उत्तरदायित्व है, शासन करने की जो शक्ति है वो विकेंद्रित हो जाती है और राजा के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उन नीतियों के क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी, समस्त जिम्मेदारी जो होती है वो इन प्रशासनिक अधिकारियों की होती है और प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी अपने क्षेत्र में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं। शुक्र अच्छे कार्य करने वालों को पारितोषिक देने की बात भी करते हैं। अगली क्लास में मैं आप लोगों को प्रशासन में कार्मिक व्यवस्था के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है और एक बार फिर बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को किसी भी तरह की समस्या होती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं और मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।